Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ जनीता. दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम से परेशान हैं. कई लोगों को लगातार कब्ज रहती है, कई लोगों को गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो आज कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जिनसे 100% आपको फ़ायदा मिलेगा. सुबह उठते ही पेट एकदम से साफ़ होगा आपका, बिल्कुल भी कब्ज़ नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और गैस और एसिडिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थम्सअप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो रात को जब आप खाना खाएं तो खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें. मोस्टली लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसके आधे घंटे बाद, 40 मिनट के बाद सो जाते हैं, जिससे खाना आपके पेट में पड़ा रहता है, वो सड़ता रहता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. इसलिए खाना खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें और खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी पिए, पानी गुनगुना पिए तो बहुत अच्छा है. और दूसरा रूल ये है कि अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर ऐड करें, एक से दो फ्रूट ज़रूर खाएं और खाने के साथ सलाद ज़रूर खाएं. तो चलिए अब बढ़ते हैं रेमेडीज़ की तरफ. सबसे पहली रेमेडी है गर्म पानी में 2 चम्मच शहद. जी हाँ, रात को सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर पी लेते हैं तो सुबह आपका पेट आसानी से साफ़ होगा, आपको बिल्कुल भी कब्ज़ नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. शहद आपके पेट की पूरी सफाई करता है और आंतों में सड़ा हुआ मल भी बाहर निकाल देता है. तो आप इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे. दूसरी रेमेडी भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है. अगर आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और आपको लेग्जेटिव लेने पड़ते हैं तो लेग्जेटिव लेना बंद कर दीजिए. नेचुरल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा असरदार हैं और उनकी आदत भी आपको नहीं पड़ती है. दूसरी रेमेडी बता रही हूँ, 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल. ये रेमेडी अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली पहले दिन से ही आपको नतीजे दिखने लग जाएंगे और आपको कभी भी कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी. रात को सोने से पहले 1 गर्म ग्लास दूध में अरंडी का तेल मिला करके पीजिएगा एंड बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बरसों से यूज़ की जा रही है, कभी आपको कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी. तीसरी रेमेडी है त्रिफला चूर्ण. त्रिफला, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये तीनों हर्ब्स का मिक्सचर होता है. त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा. 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लेना है. बहुत ही अच्छी रेमेडी है, पुरानी से पुरानी कब्ज़, एसिडिटी, गैस, पेट में जलन की प्रॉब्लम को ये दूर करती है. ट्राई कीजिएगा इसको और रिज़ल्ट्स आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे. जिनको मोटापे की समस्या है, पेट में ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है, उनके लिए भी ये त्रिफला चूर्ण वाली रेमेडी बहुत अच्छी होती है. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, वो है एलोवेरा जूस. आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जूस मिला करके पीना है. ये भी अच्छी रेमेडी है, ये आपके पेट को भी साफ़ करती है, आपकी स्किन को अच्छा बनाती है, बालों की हेल्थ सुधारती है, साथ ही साथ आपको कैंसर से भी बचाती है. एलोवेरा जूस बहुत ही अच्छा होता है आपके पूरे के पूरे बॉडी के लिए, सारे ऑर्गन्स के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ये और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को सुधारता है और कब्ज़, एसिडिटी, गैस, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करता है. नेक्स्ट रेमेडी है नींबू का रस. गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस निचोड़िए और साथ ही उसमें 1 चुटकी काला नमक डाल दीजिए. ये रेमेडी भी आपको खाली पेट सुबह लेनी है, बहुत अच्छी रेमेडी है ये भी और आपके पेट की सेहत को बहुत ज़्यादा सुधार देती है और आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देती है. इसके अलावा खाना खाने के बाद 1/2 चम्मच अजवाइन ज़रूर लें, इससे आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी. इसके अलावा लंच या डिनर के 1/2 घंटे के बाद अगर आप 1 एप्पल खा लेते हैं तो भोजन आपको अच्छे से पचता भी है और पेट भी खुलकर साफ़ होता है. दोपहर के खाने में या फिर नाश्ते के साथ दही का सेवन ज़रूर करें. दही में गुड बैक्टीरिया होता है और ये आपके डाइजेशन को सुधारता है और साथ ही साथ आपको कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं होने देता है. तो दही ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा और भोजन चबा चबा कर खाएं. 1 कौर को या 1 बाइट को अगर आप 35 बार चबाते हैं तो आपको कभी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. जी हाँ दोस्तों, हर 1 बाइट को 35 बार चबाकर खाना चाहिए और बुज़ुर्गों का
ऐसा कहना है कि पानी आपको ऐसे पीना चाहिए जैसे आप कुछ खा रहे हो, यानी कि पानी घूंट घूंट यानी सिप सिप करके धीरे धीरे पीना चाहिए, और खाना ऐसे खाना चाहिए जैसे आप कुछ पी रहे हो, यानी कि अपने मुंह में अपने सलाइवा के साथ उसको चबा चबा कर, मतलब पूरा उसका जूस जो है बन जाए खाने का, पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो आपको मुँह के अंदर लेके जाना चाहिए। तो ये अगर आप तरीका अपनाते हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आधा खाना आपके मुंह में ही सलाइवा के साथ पचना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे और साथ ही साथ ये होम रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं उनमें से किसी भी एक या दो होम रेमेडीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आपको कभी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी गैस, खट्टी टकारे, एसिडिटी नहीं होगी, पेट हमेशा साफ़ रहेगा और ब्लॉटिंग और मोटापा भी कभी नहीं आएगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जो पेट साफ़ करने से रिलेटेड था। मेरे पास बहुत दिन से आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि पेट ठीक से साफ़ हो, इसके लिए मैं कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूं। तो ये सारी रेमेडीज़ जो भी मैंने आपको बताई हैं इन एक्सपेंसिव हैं, घर की ही सारी चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, यूज़ करना भी बिल्कुल आसान है इनको, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इनमें से किसी भी रेमेडी को यूज़ कीजिए और नतीजे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और लाइक का थम्सअप का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन और ढेर सारी इंस्पिरेशन आपके लिए अच्छा अच्छा काम करने की। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है वीडियो को तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या किसी होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।